एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी रिगार्डिंग रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर 2019-20। फ्रेंड्स, ये वाला जो नोटिस है ये आईपीयू की साइट पे रिलीज हुआ है 5th ऑफ मई को। सो ये वाला जो नोटिस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर ऑल स्टूडेंट टीचर्स ऑफ जीजीएस आईपीयू इंक्लूडिंग यूएसएस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस। सो ये वाला जो नोटिस है ये सारे प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेबल है अदर देन आर्किटेक्चर एंड प्रोग्राम्स अंडर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल हेल्थ साइंसेस। सो जो डिस्पर्सल ऑफ क्लासेस है जो आपकी इवन सेमेस्टर की क्लासेस कंप्लीट है वो हो गई होंगी 30 अप्रैल 2020 फॉर थ्योरी एंड 6 मई फॉर लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स। समर वेकेशन स्टार्ट है फ्रॉम 7th ऑफ मई टू 6th ऑफ जून 2020। अब बात करते हैं कंडक्ट ऑफ एंड टर्म एग्जाम्स की, दैट इज इवन सेमेस्टर। अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो फाइनल सेमेस्टर फॉर ऑल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनल सेमेस्टर के जो एग्जाम्स है वो सारे प्रोग्राम्स के लिए स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 20th जून 2020, दैट इज सैटरडे ऑनवर्ड्स। एंड फॉर अदर सेमेस्टर लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फॉर ऑल प्रोग्राम्स वो स्टार्ट होंगे 1st जुलाई 2020, दैट इज वेडनेसडे ऑनवर्ड्स। कमेंसमेंट ऑफ न्यू एकेडमिक सेशन, जो नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा वो होगा 3rd ऑफ अगस्त से, दैट इज 3rd August 2020, दैट इज मंडे ऑनवर्ड्स। नाउ हियर आर सम ऑफ गाइडलाइंस दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट पॉइंट में है आप ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स जो है वो डेली बेसिस पे आईपीयू की साइट चेक करें रिगार्डिंग अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू एंड टर्म एग्जामिनेशन। सेकेंड है द एंड टर्म एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड आइदर इन पेन एंड पेपर मोड, दैट इज फिजिकल और कन्वेंशनल मोड, बाय फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और ऑनलाइन और ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन और एंड कन्वेंशनल। अब जो ये नीचे के पॉइंट्स है ये बेसिकली फिजिकल मोड्स के लिए है, अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो ये सारे पॉइंट्स मैंडेटरी है। द ड्यूरेशन फॉर द फिजिकल एंड टर्म एग्जाम वुड बी ऑफ 2 आवर्स। जो एंड टर्म एग्जामिनेशन होते थे पहले वो मैक्सिमम टाइम उनका 3 आवर्स था, बट अब की बारी अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो जो एंड टर्म होंगे वो 2 आवर्स के होंगे, मैक्सिमम टाइम वुड बी ऑफ 2 आवर्स। Fourth point is the maximum marks for all term exams would be same as earlier. Like BTech program के जो end term के exams होते थे वो 75 marks के होते थे, तो इस बार भी अगर lockdown खुल जाता है तो इस बार भी 75 marks के end term होगा। The marks for all the end term exams would be same as earlier. Exams can be kept on Saturday and Sunday if required. अगर requirement होगी तो सैटरडे और संडे को भी एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर बैक पेपर्स इन विच दे वांट टू अपीयर इन करंट इवन सेमेस्टर टू देयर रिस्पेक्टिव फैकल्टी और प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स और डीन्स टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन चार्ट हु इन टर्न विल फॉरवर्ड द सेम टू COE। अगर आपके किसी पेपर में बैकलॉग है तो आप अपने फैकल्टी या प्रिंसिपल्स या डायरेक्टर्स और डीन्स को बता दें ताकि आपका रजिस्ट्रेशन चार्ट कंप्लीट हो सके। सेवेंथ पॉइंट है द ड्राफ्ट डेटशीट फॉर ऑल एग्जाम्स वुड बी अपलोडेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर इनवाइटिंग सजेशन एंड चेंजेस इफ रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टूडेंट एंड टीचर्स बिफोर फाइनलाइजेशन। फाइनल डेटशीट टू बी अनाउंस्ड अबाउट 10 डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम। 10 डेज पहले फाइनल डेटशीट अनाउंस कर दी जाएगी बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं इफ यूनिवर्सिटी डजंट ओपन टिल 20 जुलाई ड्यू टू कोविड, मींस अगर लॉकडाउन जुलाई में एक्सटेंड हो जाता है तब क्या होगा। इफ यूनिवर्सिटी डजंट ओपन टिल 20 जुलाई 2020 ड्यू टू कोविड 19 फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट्स, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू मोड विद अ न्यू डेट शीट थ्रू एआई प्रॉक्टर्ड सॉफ्टवेयर और अल्टरनेटिव टूल्स।
The lab examination would be held online using video meeting or conferencing tools by the respective department or college through COE. The detailed guidelines and other related information shall be announced later, but well in time. Means, अगर lockdown extend हो जाता है, 20 जुलाई के बाद extend हो जाता है, तो final year के semester के papers होंगे by online mode in the form of MCQ और lab examination भी using video meeting or conferencing tools conduct होंगे. अब बात करते हैं second semester, fourth semester, sixth semester के students के लिए क्या rule होगा. For other semester students, no exams to be conducted. Second semester, fourth semester, sixth semester के students के लिए कोई भी exam conduct नहीं होगा अगर lockdown extend हो जाता है and if university did not open till 20th July 2020. So, जो students हैं, वो previous semester के exam के basis पर और marks जो मिले होंगे उन्हें internal assessment के basis पर, that is comprising of midterm test, score, viva, assignment, etc. of the current semester in each subject, say वो promote हो जाएंगे next semester में. The students would be promoted to the next semester on the basis of marks in the previous semester and the marks in internal assessment comprising of midterm test, score, viva, assignments, etc. of the current semester in each subject. Any student who wish to improve his result in any of the paper of the current semester under this mode can appear along with supplementary examination of the same year whenever they are held. Any student having grievance in this matter may submit his grievance through the director, principal or dean of his colleges or school to the grievance committee. अब बात करते हैं regarding summer internship. Summer internship. The student of all programs from other than final semester. अगर आप like second year के student हैं या third year के student हैं, तो आप लोगों को internship करनी होती है, तो आप online way में internship करेंगे. That is, other than final year students are required to undertake summer internship during May 7, 2020 till 20th June, either in companies or undertake online internship. Means, you are required to take the online internship from 7th May 2020 till 20th June 2020. Those students who are unable to get any opportunity, अगर किसी को online internship नहीं मिलती है, कोई और opportunity नहीं मिलती है, तो वो अपने faculty members को inform करते हैं. By latest by 25th May 2020. And अगर आप other than के student means architecture के student है या University of Medical या Paramedical Health Science के student है, तो आप लोगों के लिए एक अलग notice issue होगा under University School of Architecture and Planning and Programs under University School of Medical and Paramedical Health Sciences. So this was all about this notice. This is really very important information. So hopefully आपको ये information अच्छी लगी, सही लगी, तो please इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आएगी तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.